हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर रोम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ रेमन यूआई कस्टम रोम जो कि MIUI 30 पर बेस्ड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल रिव्यू दिखाऊंगा। इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे और कैसे आप इसको अपने मोबाइल रेडमी नोट 11 में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी आखिर में बताऊंगा। तो बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी माई डिवाइस में चलते हैं। इसमें आपको इधर सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको कस्टम रोम का वर्जन दिखाते हैं, रेवन यूआई है जो कि MIUI 30 पर बेस्ड है। साथ में डिवाइस नेम देखने को मिलेगा, रेडमी नोट 11 है। नीचे आपको इनके डेवलपर्स का नेम देखने को मिलेगा, रेवन वर्जन इसका आपको देखने को मिलेगा 4.0 है जो कि लेटेस्ट है। डिवाइस की रेडमी नोट 11 है और इधर आपको इसकी सभी स्पेक्स देखने को मिलेगी इस मोबाइल की। 200 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की 1 अगस्त 2022 है जो कि लेटेस्ट है। एंड्रॉइड वर्जन इसका आप देख सकते हैं ये 12 है। वापस आते हैं होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आए तो आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और डिसेंट आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। आप काफी ज्यादा विजेट्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने ऐड किए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसकी क्विक सेटिंग की बात करें तो क्विक सेटिंग आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और डिफरेंट क्विक सेटिंग आपको देखने को मिलती है। क्विक सेटिंग में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ में ब्राइटनेस का बटन है, वॉल्यूम का बटन है, कुछ इस तरह का अवेलेबल होगा। अगर हम इसकी डायलर की बात करें तो डायलर आपको यहाँ कुछ इस तरह का अवेलेबल होगा। बहुत ही डिसेंट डायलर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस रोम में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अभी हम इसकी सेटिंग में चलते हैं। तो सेटिंग आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और डिसेंट सेटिंग आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले सर्च सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे आपको MI काउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे आपको माई डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐप्स का ऑप्शन मौजूद है। ऐप्स में आपको सिस्टम ऐप, सेटिंग, मैनेज ऐप, मैनेज होम्स, स्क्रीन शॉर्टकट, डोल्स ऐप, परमिशंस, ऐप लॉक, सभी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वापस चलते हैं। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मौजूद है, वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है, ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद है, कनेक्टिंग एंड शेयरिंग का ऑप्शन मौजूद है जो कि नॉर्मल रोम में होते हैं, वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मौजूद है। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आपको वॉलपेपर्स भी इधर देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। इधर AOD में चलते हैं। इधर आपको काफी ज्यादा क्लॉक के स्टाइल देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल स्टाइल अवेलेबल है, आप कोई भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा मजे का फीचर है इस रोम में। वापस आते हैं। लाइब्रेरी का ऑप्शन मौजूद है। इसमें आपको सभी वॉलपेपर्स अवेलेबल होंगे, सुपर वॉलपेपर्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। वापस चलते हैं। रिंगटोन्स भी आपको काफी ज्यादा अवेलेबल होंगी। काफी ज्यादा आपको रिंगटोन अवेलेबल है, आप कोई भी अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन टोन भी आपको अवेलेबल है, अलार्म टोन भी आपको अवेलेबल है, इफेक्ट भी आपको यहाँ काफी ज्यादा अवेलेबल होंगे, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। साथ में थीम का ऑप्शन मौजूद है। थीम में भी आपको काफी ज्यादा थीम अवेलेबल होंगी, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। वापस चलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है। डिस्प्ले का ऑप्शन मौजूद है। डिस्प्ले में आपको डार्क मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंटी फ्लिंकर मोड का ऑप्शन भी आपको इस रोम में देखने को मिलेगा, कलर स्कीम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिस्प्ले रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, आप कोई भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इधर आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, मैंने हाई किया है 90 Hz पर। वापस चलते हैं। फोन सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप काफी ज्यादा फोन चेंज कर सकते हैं। वापस चलते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मौजूद है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मौजूद है। होम स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है जिसमें आपको डिफॉल्ट लॉन्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है, होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, डिसेबल ऑल एनिमेशन इन लॉन्चर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, एनेबल डॉक का ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं। थोड़ी कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नीचे चलते हैं। सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मौजूद है इसमें आपको 2 बटन नेविगेशन और 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। गेस्ट बहुत ही ज्यादा स्मूथली वर्क करते हैं इस रूम में। डिसेबल वॉलपेपर जूम इफेक्ट भी आप
ऑन कर सकते हैं, रीस्टार्ट लॉन्चर को भी आप ऑन कर सकते हैं। वापस चलते हैं, अभी हम इसकी सिक्योरिटी लॉक में चलते हैं। इसकी सिक्योरिटी लॉक में सभी ऑप्शन अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, जैसा कि फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक, पैटर्न अनलॉक, पिन अनलॉक, सभी ऑप्शन अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। वापस आते हैं, बैटरी का ऑप्शन मौजूद है जिसमें आपको बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे स्पेशल फीचर्स में चलते हैं, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नए फीचर्स अवेलेबल होंगे, जैसा कि स्लाइड बार का ऑप्शन मौजूद है। इसमें आपको ऑलवेज शो स्लाइड बार, शो वाइल प्लेइंग गेम्स, शो वाइल प्लेइंग वीडियोज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है। वापस आते हैं, फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मौजूद है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। किड स्पेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, MIUI लैब का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, लाइट मोड भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। वापस आते हैं, गूगल्स का ऑप्शन मौजूद है, अकाउंट एंड साइनिंग का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। अब इसकी एडिशनल सेटिंग में चलते हैं। एडिशनल सेटिंग में आपको डेट एंड टाइम, लैंग्वेज एंड इनपुट, रीजन, गेस्चर शॉर्टकट, वन हैंडेड मोड जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है वो भी देखने को मिल रहा है। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मौजूद है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसमें आपको मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। एंटरप्राइज मोड भी आपको देखने को मिल रहा है। वापस चलते हैं, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कैमरे की बात करें, कैमरा आपको यहाँ MIUI का अवेलेबल होगा, ये आप देख सकते हैं। सभी ऑप्शन अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, वीडियो, स्लोमो, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, सभी ऑप्शन अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी GCam इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बैटरी बैकअप की बात करें, तो बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये रोम फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करती है, और इस रोम में हर ऐप अच्छे तरीके से वर्क करता है, ये आप देख सकते हैं, सब कुछ स्मूथली ओपन हो रहा है। अगर हम इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, तो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पबजी वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्मूथली वर्क करती है। तो दोस्तों इस रोम में आपको गूगल ऐप भी इंस्टॉल किए हुए पहले से ही मिलेंगे, आपको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बताते हैं कि कैसे आप इसको अपने मोबाइल रेडमी नोट 11 में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। यहाँ से मोबाइल को पावर ऑफ होने के बाद आपने इसको अपनी रिकवरी में रिबूट करना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मोबाइल रिकवरी में रिबूट हो चुका है। रिकवरी में रिबूट होने के बाद आपने सबसे पहले अपनी रोम को किसी OTG या किसी माइक्रो SD में कॉपी कर लेना है। वाइपर जाना है, आपने अपना डाटा फॉर्मेट करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए आपने भी कर लेना है। डाटा फॉर्मेट करने के बाद आपने माउंट पर जाना है, आपने माइक्रो SD, अगर आपने माइक्रो SD में कॉपी किया होगा तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो OTG को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने वापस इंस्टॉल पर जाना है, आपने अपनी रोम को सिलेक्ट करना है। अपनी रोम को सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे से स्वाइप कर देना है। इसको स्वाइप करने के बाद आपने वापस एडवांस सेटिंग में जाना है, इसमें जाकर आपने फ्लैश करंट TWRP को सिलेक्ट करना और नीचे से स्वाइप कर देना है, ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद आपने अपने फोन को सिस्टम में रीबूट कर देना है। इस तरीके को फॉलो करके आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।